शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के चलते महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के सभी नगरपालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत कार्यालय को सरकार की ओर से दी गई निधि को वापस सरकार को देने के आदेश दिए हैं। इस आदेश का पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने कड़े शब्दों में विरोध किया। उनका कहना है कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऐसे सरकार ने निधि वापस मांगी हो। इस आदेश का विरोध करने के लिए भाजपा की ओर से सभी नगरपालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत क्षेत्र में 6 जुलाई को कटोरा आंदोलन किया जाएगा और लोगों से सरकार के लिए पैसे मांगे जाएंगे, जो पैसा सरकार को दिया जाएगा। सभी को बैंक अकाउंट मांगे है, ये बहुत ही अन्यायपूर्वक निर्णय है। नागपुर में 350 करोड़ रुपए का अकाउंट है जो पैसा आया नहीं है और जो पैसा वापस जाने वाला है। तो सरकार को हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसा अन्यायकारक जो जीआर निकाला है वो कैबिनेट में वापस ले। हमारे नागपुर जिले के सारे मंत्रीगण को विनती है कि ये जीआर वापस लेने के लिए प्रयास करें। हम इसके खिलाफ, जो जीआर निकाला है पैसा वापस लेने के जाने के लिए, उसके खिलाफ नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के सामने एक सांकेतिक आंदोलन नागपुर जिले में करने जा रहे हैं, जिसमें ये कटोरा लेकर भी जनता को पैसा मांगेंगे। ये पैसा वापस मांग रहे तो सरकार को भी और कुछ मदद लगेगी, तो जनता के विकास काम रोक रहे तो जनता से भी 2-2 रुपया, 4-4 रुपये मांगेंगे। ये आंदोलन सांकेतिक है। तीनों मंत्रियों को विनती है कि आने वाले कैबिनेट में ये विषय का गंभीर्य ले और सरकार के वापस मांगने वाले पैसे वापस न ले, नगर पालिका को, ग्राम पंचायत को उनके काम करने दें।